तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। रेडमी 9 पावर फोन में जो प्रॉब्लम हो रहा है वही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा इस रेडमी 9 पावर के बारे में। तो मैंने इस फोन यूज करने के बाद जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है मगर मेरे को दो प्रॉब्लम ज्यादा लगा इस फोन में। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम। तो कॉल रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगा मेरे को, क्योंकि किसी के साथ आप बात कर रहे हैं और जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो तो उसको भी पता चल जाएगा जो आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ये प्रॉब्लम अपडेट आने के बाद सॉल्व हो जाएगा तो अच्छा है। तो इसके बारे में जो वीडियो मैंने तैयार किया है वो आप यहाँ पर आई पे मिल जाएगा, आप यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इस कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो प्रॉब्लम है वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, आप बहुत सारा ऐप यूज़ करने के बाद और गेम वगैरह खेलने के बाद आपका ये फ़ोन हैंग हो सकता है। अभी इतना दिन नहीं हुआ है मगर ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा, तो इसलिए हमने इस वीडियो तैयार किया है। तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 महीने ही हुआ है। तो ये फ़ोन आप लेना चाहते हैं तो एक बात आप ध्यान दीजिए, आप गेम वगैरह खेलने से आपका ये फ़ोन हैंग हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल यूज़र के लिए ये फ़ोन अच्छा है। तो इस फोन में बैटरी, डिस्प्ले, साउंड और कैमरा ये सब अच्छा है। इस प्राइस में आपका ये सब अच्छा चाहिए तो ये फोन आप ले सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है ये फोन गेम के लिए नहीं है। तो फ्रेंड आपके पास ये फोन है, आपके ये फोन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू मेरे ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।